जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एओसी में जो फायरमैन की फिजिकल है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और फायरमैन की फिजिकल के बाद यहाँ पर जो आपके ट्रेड्समैन मेट की फिजिकल हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आपके फिजिकल का रिव्यू है वो आपको हमने पहले भी दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि आपके फिजिकल के कौन से स्टेज में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं। चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके फायरमैन की फिजिकल है, सबसे पहले इसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, फिर यहाँ पर आपकी वेट रनिंग होगी, फिर इसके बाद आपका रस्सा चढ़ाई होगा, और फिर यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, लगभग मैं सभी सेंटर की बात कर रहा हूँ, आपके 30 के आसपास जो ग्रुप हैं, यानी कि एक ग्रुप में आपके 30 बच्चे जो है दौड़ाए जा रहे हैं, और 30 में से मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो मात्र आपके 8 से 10 बच्चे हैं जो आपके रनिंग को करियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पहले स्टेज में बच्चे बाहर हो रहे हैं, लेकिन जिस स्टेज में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं वो है आपकी ये सेकंड स्टेज है, वेट रनिंग, जिसमें आपको 63.5 किलो का जो वज़न है वो लेकर दौड़ना है 183 मीटर आपका 96 सेकंड में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर आपके इसी वेट में हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों से तो वेट ही नहीं उठाया जा रहा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेट को उठा तो लेते हैं, लेकिन इसे दिए हुए टाइम में वो आपके जो है अपने रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और कुछ बच्चों से वेट उठाने के बाद यहाँ पर आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में वो आपका वेट गिर रहा है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे आपके जो है फिजिकल में हो रहे हैं। इसके बाद यहां पर देखिएगा, जो आपकी सेकंड स्टेज है वेट रनिंग के बाद, वो है आपकी हाइट और चेस्ट। तो यहां पर आपको बता देते हैं कि आज कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको वेट में भी बाहर किया गया है। हाइट में तो लगभग आपकी ऐसी एक क्राइटेरिया फिक्स की गई है कि कोई बच्चा लगभग बाहर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वेट में बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस आपको करके जानी है वो है आपके वेट रनिंग की। लगभग आपके यहाँ पर देखिएगा, जो रनिंग है 1600 मीटर की वो रोड पर हो रही है। कुछ ऐसे सेंटर हैं जैसे कि बठिंडा वगैरह में, वहाँ पर आपकी रनिंग होगी ट्रैक पर, बाकी सभी जगह आपकी रनिंग रोड पर होगी। तो ये थी छोटी सी अपडेट। यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर रिटन एग्जाम में बहुत ही कम बच्चे बैठेंगे, और बहुत ही कम कट ऑफ आपकी पेपर की देखने को मिलेगी। बाकी जो भी आपकी नई अपडेट होगी आपको बता दे रहेंगे। आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय।